नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज चैनल TW न्यूज में। दोस्तों, अगर अभी तक मेरे चैनल TW न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए आज का मुख्य समाचार जानते हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मैच में कप्तान रोहित शर्मा और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आराम दिया गया है। हालांकि फैंस इस बात से नाराज है। मैच में टीम की कप्तानी का जिम्मा हार्दिक पांड्या को सौंपा गया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के दूसरे वनडे मैच में टॉस के दौरान टीम इंडिया के प्रशंसकों को एक सरप्राइज मिला, जब हार्दिक पांड्या टॉस के लिए मैदान पर पहुंचे। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कप्तान रोहित शर्मा को आराम दिया गया है। हार्दिक पांड्या ने बारबाडोस में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। टॉस हारने के बाद जब हार्दिक ने प्लेइंग 11 का खुलासा किया, तब विराट कोहली के भी इस मुकाबले में नहीं खेलने की पुष्टि हो गई। दोनों को आराम दिए जाने से फैंस खासा नाराज दिखे। हार्दिक पांड्या ने इस साल की शुरुआत में मार्च में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के पहले वनडे के दौरान भारतीय टीम का नेतृत्व किया था। रोहित शर्मा की अनुपस्थिति ने निश्चित रूप से इस बार कुछ लोगों की भौहें चढ़ा दी हैं, क्योंकि भारत मार्च में वनडे के बाद पहली बार इस प्रारूप में लौट रहा है। हार्दिक ने खुलासा किया कि रोहित और भारत के स्टार विराट कोहली को आराम दिया गया है, क्योंकि वे पिछले कुछ महीनों से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली को आराम दिए जाने से कई फैंस नाराज दिखे। प्लेइंग 11 में दोनों को शामिल नहीं देख फैंस ने सोशल मीडिया पर कई प्रतिक्रियाएं दी। फैंस ने जोर देकर कहा कि एकादश के दो सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाजों का विश्व कप के लिए कुछ महीने शेष रहते हुए आराम करना टीम के लिए अच्छा संकेत नहीं है। कुछ ने रविंद्र जडेजा का उदाहरण देते हुए कहा कि वह भी लगातार खेल रहे हैं, उसके बाद भी आराम की मांग नहीं करते। हार्दिक ने कहा, यह सिर्फ इतना है कि कुछ सवाल हैं जिनका जवाब देने की जरूरत है। हालांकि यह संकेत मिल रहे हैं कि टीम प्रबंधन का लक्ष्य एशिया कप और विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंटों से पहले टीम के अन्य खिलाड़ियों का परीक्षण करना है। हार्दिक ने आगे कहा, रोहित शर्मा और विराट कोहली लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। हमने सोचा कि उन्हें इस खेल के लिए आराम करना चाहिए और तीसरे वनडे के लिए तरोताजा रहना चाहिए। तो बस इतना ही, वे आराम कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि अन्य लोगों को मौका दिया जाए। रोहित और कोहली दोनों साल की शुरुआत से ही मैदान पर हैं। उन्होंने 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भाग लेने से पहले श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक दिवसीय मैचों के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक दिवसीय मैचों में भी हिस्सा लिया। अंतरराष्ट्रीय सीजन के बाद दोनों ने 2023 इंडियन प्रीमियर लीग में अपनी फ्रेंचाइजी के लिए पूरे लीग मुकाबले खेले। जून में रोहित ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के सबसे महत्वपूर्ण फाइनल में विराट कोहली के साथ मौजूद थे। हालांकि टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज दौरे पर लौटने से पहले एक महीने तक क्रिकेट से दूर रहकर एक दिवसीय श्रृंखला से पहले 2 टेस्ट मैचों में हिस्सा लिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी तो ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए हर रोज इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो मैं अब आपसे मिलूंगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल TW न्यूज। जय हिंद, जय भारत।